हेलो एवरीवन, एनआरटीआई रेलवे यूनिवर्सिटी का 21-22 बैच का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है एडमिशन के लिए। तो इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले गूगल पे जाना है और टाइप करना है nrti.edu.in और सर्च करना है। सबसे पहले हम इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे और फिर डिटेल में आपको बताएंगे कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फ़ीस कितना है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने लेंगे, मतलब कि सीट कितना है, कैसे कैसे टाइप के कोर्सेज हैं। और इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन के लिए आप बाकी अपलोडेड वीडियोस को चेक कर सकते हैं। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। सबसे पहले वेबसाइट ओपन होगा तो आपको राइट साइड कॉर्नर पे आप देख पा रहे होंगे एडमिशन 21-22, उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे फर्स्ट लाइन में देख सकते हैं एनआरटीआई इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर फॉलोइंग एकेडमिक प्रोग्राम फॉर द ईयर 21-22। ये सारे कोर्सेज अंडर ग्रेजुएट के लिए हैं, बीबीए इन ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट, बीएससी इन ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी, बीटेक इन रेल इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, बीटेक इन रेल सिस्टम एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, बीटेक इन मैकेनिकल एंड रेल इंजीनियरिंग। ये जमालपुर का है और इसके लास्ट में स्ट्रिक साइन लगा हुआ है, इसका मतलब यह है कि ये अभी प्रोसेसिंग में है। पोस्ट ग्रेजुएट मतलब मास्टर कोर्सेज में MBA इन ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट, MBA इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, MSc इन ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी पॉलिसी, MSc इन ट्रांसपोर्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड एनालिटिक्स, MSc इन रेलवे सिस्टम इंजीनियरिंग एंड इंटीग्रेशन, और ये कोलेब्रेशन में होता है UK के यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम के साथ। PGDM जो है कोर्सेज है ये वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए है, PGDM इन ट्रांसपोर्टेशन या लॉजिस्टिक, PGDM इन ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड फाइनेंशियल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का। BBA इन ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 10+2 विथ मैथ्स, और वो किसी भी स्ट्रीम से हो सकते हैं। BSc इन ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी 10+2 विथ मैथ्स, सिर्फ साइंस स्ट्रीम वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। BTech का जो तीन कोर्सेज है तीनों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक साथ है, और वो है 10+2 विथ मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस स्ट्रीम। कैंडिडेट मस्ट हैव वैलिड JEE मेंस स्कोर कार्ड ऑफ 2021, और साथ में इन सारे के लिए उनका एज 25 से कम होना चाहिए 1 अगस्त 2021 को। एप्लीकेशन मस्ट हैव कम्प्लीटेड देयर 10+2 बोर्ड एग्जामिनेशन विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स, और OBC SC ST के लिए रिलैक्सेशन है तो उसमें 50% है, मतलब आपका बोर्ड्स में इतना आना ही चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स देखते हैं तो इसमें सारे प्रोग्राम्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक ही है, और वो है बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विथ मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स वन ऑफ द सब्जेक्ट, मतलब आपके बैचलर में मैथ या स्टैट्स होना ही चाहिए कोई एक सब्जेक्ट, और आपका एग्रीगेट मार्क्स 55% होना चाहिए। अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से हैं तो 50%। ये है MBA MSc का, और PGDM जो कि सिर्फ वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए है जो काम कर रहे हैं, इसमें वर्किंग जो अबव क्राइटेरिया है ऊपर का क्राइटेरिया जो है वही रहेगा, साथ में आपको कुछ एक्सपीरियंस भी मांग सकते हैं इन दोनों में से किसी कोर्सेज में। अब सभी कोर्सेज के सिलेक्शन प्रोसेस को देखते हैं तो NRTI UG PG एंट्रेंस टेस्ट जो है वो 1 अगस्त को कंडक्ट किया जाएगा इंडिया के सभी टेस्ट सेंटर्स पे। BBA का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो होगा इसी एंट्रेंस टेस्ट NRTI UG एंट्रेंस टेस्ट। अगर NRTI UG एंट्रेंस टेस्ट का आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के लिए इस वीडियो को आप प्रेफर कर सकते हैं। BTech के लिए JEE मेंस का स्कोर होगा क्राइटेरिया सिलेक्शन का। MSc प्रोग्राम के लिए NRTI PG एंट्रेंस टेस्ट देना होगा 1 अगस्त को, और आपको उसके बाद इंटरव्यू भी देना होगा। एप्लीकेशन फॉर MBA प्रोग्राम हु हैव वैलिड कैट जैट और मैट
लेटर देन मे 2020 स्कोर मे बी एग्जम्प्टेड, मतलब जिनके पास कैट जैट मैट का स्कोर है, कैट 2020 जैट 2021 और मैट का लेटर देन मे 2020, वो पीजी एंट्रेंस टेस्ट नहीं दे सकते हैं तो भी चलेगा, और जो एंट्रेंस टेस्ट देंगे वो एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पे सेलेक्ट होंगे, और जो स्कोर सबमिट करेंगे वो स्कोर के बेसिस पे सेलेक्ट होंगे, और दोनों को ही फिर फर्दर सेलेक्शन प्रोसेस में इंटरव्यू के लिए अपीयर होना होगा। पीजी डिप्लोमा के लिए जो अप्लाई करेंगे उनको पीजी एंट्रेंस टेस्ट देना होगा एंड विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर इंटरव्यू। एडमिशन विल बी ऑफर्ड बेस्ड ऑन द ओवरऑल रिजल्ट। उनको पीजी एंट्रेंस देना होगा, साथ में इंटरव्यू के लिए भी अपीयर होना होगा। तो ये सभी कोर्सेज का सिलेक्शन प्रोसेस। अब बात करते हैं कि आप इसमें अप्लाई कैसे कर सकते हैं, हाउ टू अप्लाई। तो एप्लीकेशन फ़ी जो है वो 500 है, रिजर्वेशन कैटेगरीज के लिए 250 है। इम्पॉर्टेंट डेट, क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन है 21 जुलाई BBA, BSc, MSc और MBA प्रोग्राम के लिए। BTech प्रोग्राम के लिए अगस्त 20, और इसका टेस्ट जो है इंडिया के सभी सेंटर में NRTI UG PG एंट्रेंस टेस्ट 1 अगस्त को कंडक्ट कराया जाएगा। नंबर ऑफ़ सीट्स का अगर बात करें तो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में 125 स्टूडेंट्स फॉर BBA एंड BSc प्रोग्राम के लिए लिया जाएगा, और BTech प्रोग्राम में 60 स्टूडेंट ईच, 3 BTech का प्रोग्राम है, 60 स्टूडेंट ईच। पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में 60 स्टूडेंट ईच फॉर द 2 MBA प्रोग्राम, MBA इन ट्रांसपोर्टेशन और सप्लाई चेन मैनेजमेंट, 15 स्टूडेंट फॉर MSc इन रेलवे सिस्टम इंजीनियर्स एंड इंटीग्रेशन, 30 स्टूडेंट ईच फॉर द 2 MSc प्रोग्राम, और PG डिप्लोमा PGDM के लिए 100 स्टूडेंट्स फॉर 2 PG डिप्लोमा प्रोग्राम। ये इसका नंबर ऑफ सीट्स है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और अगर आप इसका प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे बाकी वीडियोस को प्रिफर कर सकते हैं, वो बहुत ही हेल्पफुल होगा। आपको अगर कुछ भी क्वेरीज है तो आप मुझे मेरे सोशल मीडिया पे डायरेक्ट मुझसे पूछ सकते हैं। अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लो।